हेलो मेरा नाम है चंद्र चंद्रहास स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो पज़ल एक तो प्रीलिम्स लेवल की होगी और दूसरी होगी मेंस लेवल की दोनों पज़ल आप ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा अप्रोच हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोनों पज़ल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और अगर आपको पज़ल्स अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोज़ मिलती रहें तो हम सबसे पहले पहली पज़ल पे आते हैं ये पज़ल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी दोनों ही पज़ल तो जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे मैं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ता हूँ लिखा हुआ है कि आठ लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कि किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और उनका चेहरा किधर है फेसिंग द सेंटर मतलब सारे लोगों का जो चेहरा है वो सेंटर की तरफ है ओके okay? मान लीजिए ऐसे तो बनी हुई सर्कुलर टेबल तो सब लोग सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं ईच वन ऑफ देम इज़ ऑफ अ डिफरेंट प्रोफेशन नेमली लॉयर टीचर डॉक्टर डिजाइनर फोटोग्राफर क्रेडिट एनालिस्ट टेलर एंड साइकोलॉजिस्ट बट नॉट नेसेसरिल इन द सेम ऑर्डर कि सारे आठों लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं और उनके प्रोफेशनस के नाम लिखे गए हैं लेकिन वो किसी सेम ऑर्डर में नहीं है मतलब दो चीज़ें एक तो आपको जो पर्सनस हैं ए बी सी डी एफ जी एच इनको अरेंज करना है साथ साथ उनके जो प्रोफेशंस हैं उनको अरेंज करना है ओके तो सिंपल सी ये प्रॉब्लम है और फेसिंग क्या है कि ये सारे के सारे लोग फेस करें सेंटर की तरफ तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में तो यहाँ पर आप चाहें तो शुरुआत में ही बना सकते हैं एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं ओके जिसमें आठ लोगों को बिठाना है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ अब आप चाहें एरो लगाएं कि ये सब अंदर की तरफ है और जब आपको पता है सब लोग अंदर की तरफ हैं तो एरो नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा लिखा हुआ है बी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ कि जो बी है वो एफ के लेफ्ट में सेकेंड पर बैठा हुआ है तो एफ को हम कहाँ पर बिठा सकते हैं एफ को हम यहीं पर बिठा लेते हैं अब इसका जो भी लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट होगा अंदर की तरफ चेहरा है तो बी कहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा क्योंकि बी क्या है सेकंड में लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है द साइकोलॉजिस्ट इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो एफ का इमीडिएट नेबर है मतलब क्या होगा कि साइकोलॉजिस्ट या तो यहाँ पर आएगा या तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आएगा ओके okay? फिर क्या हुआ लिखा हुआ है देर आर ओनली थ्री पीपल बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट एंड ए इस साइकोलॉजिस्ट और ए के बीच में केवल दो लोग हैं तो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आप ए को यहाँ पे दिखा दीजिए और या फिर ए को यहाँ पर दिखा दीजिए डिपेंड करेगा कि जब दो लोग यहाँ पे हैं उनके बीच में तीन लोग हैं दो लोगों के बीच में तीन लोग बैठे हैं टोटल आठ लोग हैं तो हमेशा जब भी तीन लोग बैठें बैठेंगे दो लोगों के बीच में तो वो हमेशा अपोजिट में ही होंगे आप साइकोलॉजिस्ट को यहाँ भी बैठाएंगे तो ए इसके ठीक अपोजिट बैठेगा ओके बात समझ रहे तो आप चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं याद रहेगा फिर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए साइकोलॉजिस्ट और इनके बीच में तीन पर्सनस बैठे हुए हैं यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्लैश ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमको समझ में मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि कौन किसके राइट लेफ्ट में है लेकिन जब यहाँ पे तीन पर्सन हैं तो आपको ये पता होगा कि ये लेफ्ट और राइट से इनके बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी मतलब मान लीजिए पी यहाँ पे है तो लेफ्ट से चलेंगे तब भी ए पे पहुँचेंगे उतनी ही दूरी पे राइट से चलेंगे तब भी उतनी ही दूरी पे पहुँचेंगे तो आप चाहें तो इसको ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा मतलब केवल ऐसे ही लिख लीजिए कि पी और ए के बीच में तीन लोग हैं तो ये काम चलेगा बात समझ रहे हैं आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन डिज़ाइनर एंड ए कि डिज़ाइनर और ए के बीच में केवल एक पर्सन है तो डिज़ाइनर और ए के बीच में एक पर्सन है अब यहाँ पे इसको हम स्लैश करके लिख रहे हैं आप चाहें तो लिखें अगर आपको याद रहे कि ये लेफ्ट और राइट right नहीं डिनोट कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं याद रहेगा कि मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे आप ए आपने नहीं लिखा और यहाँ पे आपने डी आई लिख दिया तो आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में कि डी के राइट में ही क्या है मतलब जो डिज़ाइनर उसके राइट में ही ए है अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं तब तो आप दोनों चीज़ें लिखें कि आप स्लैश करके ए को यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे डिज़ाइनर के लिए ऐसे लिख दें अगर आप नहीं कन्फ्यूज़ होते हैं तो आप सीधा सीधा लिखें थोड़ा समय बच जाएगा तीसरी कंडीशन क्या है लिखा हुआ है द टीचर इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डिज़ाइनर कि जो टीचर है वो डिज़ाइनर के इमीडिएट राइट में है तो डिज़ाइनर अगर यहाँ पे तो उसके इमीडिएट राइट में टीचर यहाँ पे होगा ओके okay? आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं ये तो हो गया क्या लिखा हुआ है कि एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ कि जो एच है वो एफ के राइट right में सेकेंड पे है तो एफ अगर यहाँ पे है तो इसके राइट right में सेकेंड में एच कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फिर क्या लिखा हुआ है डी इज द साइकोलॉजिस्ट कि जो डी है वो क्या है साइकोलॉजिस्ट है कोई बात नहीं डी का पता चल गया कि वो क्या है साइकोलॉजिस्ट है सी एन ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर कि सी और ई e क्या हैं एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं कौन किसके लेफ्ट राइट right में हैं ये नहीं पता लेकिन ये एक साथ ही आएंगे बस इतना पता है फिर आगे लिखा हुआ है नीदर सी न और ई इज़ आ डिज़ाइनर कि जो ई e और सी हैं वो दोनों के दोनों ही डिज़ाइनर नहीं हैं ओके ये दोनों डिज़ाइनर नहीं हैं फिर क्या लिखा हुआ था फोटोग्राफर इज़ ऑन द इमीडियट लेफ्ट ऑफ बी कि जो फोटोग्राफर है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है तो बी अगर यहाँ पे है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा तो हम फोटोग्राफर को ऐसे दिखा सकते हैं फिर लिखा हुआ क्रेडिट एनालिस्ट इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ टीचर कि जो क्रेडिट एनालिस्ट है वो टीचर के राइट right में सेकेंड पे है तो हम टीचर को ऐसे दिखा दें और इसके राइट right में सेकेंड पोजिशन पर क्रेडिट एनालिस्ट आ गया द टेलर इज़ एन इमीडिएट डिजाइनर कि जो टेलर है वो डिज़ाइनर का इमीडिएट नेबर है अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता है डिज़ाइनर के ठीक इमीडिएट राइट में टीचर है और टेलर भी अगर डिज़ाइनर के इमीडिएट नेबर में है यहाँ पे लेफ़्ट और राइट right नहीं लिखा हुआ है तो आपको खुद से डिड्यूस कर लेना चाहिए कि अगर इसके इमीडिएट राइट right में ये टीचर है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ही कौन होगा टेलर होगा ओके तो आप ऐसे ही डिड्यूस कर सकते हैं तो आपका समय बचेगा तो यहाँ पर ऐसे आप दिखा लीजिए फिर क्या लिखा हुआ है सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ लॉयर कि जो सी है वो लॉयर के राइट right से सेकेंड में है तो लॉयर को दिखा दीजिए और एक दो और यहाँ पे आ जाएगा सी आठ कंडीशन नौ कंडीशन बनी है कुछ लोगों को हमने बिठा लिया है बाकी को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो तरीका है मैंने कई बार बताया हुआ है कि आप एक तो ये देखिए कि, कि किसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी जा रही है वहाँ से आप शुरुआत कर लीजिए या फिर आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है ओके जैसे आप चाहें तो साइकोलॉजिस्ट और ए से शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी आपको साइकोलॉजिस्ट पता है कि साइकोलॉजिस्ट या तो यहाँ पर होगा तो दूसरा जो होगा वो ए आपका यहाँ पे हो गया तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे होगा तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम पॉसिबिलिटी लेकर के ही चल लेते हैं ओके मान लेते हैं कि हम यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को रखते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या है वो डी है तो हम यहाँ पे डी को रखते हैं और यही मानते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट है तो ए कहाँ पे आ जाएगा ए यहाँ पे आ जाएगा ओके अब ए अगर यहाँ पे आ गया तो आपको और क्या क्या चीज़ें पता है कि ए और डिज़ाइनर के बीच में एक पर्सन का गैप है तो ए अगर यहाँ पे है ए यहाँ पे है तो डिज़ाइनर कहाँ पे हो सकता है एक स्थान छोड़ करके यहाँ पे या तो एक स्थान छोड़ करके यहाँ पे ओके लेकिन यहाँ पे फिक्स कहाँ पे होगा नहीं पता कंडीशन नंबर पाँच क्या कहती है सी और ई इमीडिएट नेबर्स हैं इसका मतलब दो ही जगह एक मतलब दो जगह यहाँ पे केवल खाली हैं जहाँ पे लगातार जगहें हैं खाली हैं तो यहाँ पे सी और ई e तो आएंगे ही आएंगे अब अगर सारे आ गए हैं तो एक बचा क्या है तो ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे क्या बचा हुआ है जी तो जी यहाँ पे आ जाएगा दी गई मतलब जो कर, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं उसके अनुसार अगर हम ले करके चलें तो अब हम बाकी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें जरा देखें कि जो हम बना रहे हैं या फिर जो हम कर रहे हैं वो तो सही हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो हम अगर यहाँ पे आगे चलते हैं कि इस कंडीशन को लेकर के चलें कि ए के ए और डिज़ाइनर के बीच में एक पर्सन का गैप होगा तो एक पर्सन का गैप छोड़कर डिज़ाइनर यहाँ हो सकता है लेकिन एक पर्सन गैप छोड़कर यहाँ यहाँ पर डिजाइनर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि सी और ई दोनों ही क्या है डिज़ाइनर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ डिज़ाइनर की जो जगह है वो पक्की हो गई कि डिज़ाइनर आ गया यहाँ पर अगर डिज़ाइनर यहाँ पर आ गया तो डिज़ाइनर के इमीडिएट राइट right में कौन है तो ये है टीचर तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है तो ये है टेलर तो यहाँ पे आ जाएगा टेलर ओके okay? अब देखिए और क्या यहाँ पे कंडीशन बाकी है कि टीचर के राइट right साइड में सेकेंड पे सी बैठा हुआ है तो टीचर अगर यहाँ पे तो इसके राइट right साइड में चलिए सेकेंड पे तो कौन आ गया सी आ वाला आ गया मतलब क्रेडिट एनालिस्ट है फिर और क्या यहाँ पर है कि लॉयर के सेकेंड uh, में कौन बैठा हुआ है right राइट में तो वो है सी बैठा हुआ है तो लॉयर कहाँ पे होगा देखिए सारे तो मेरे ख्याल से सब आ ही गए हैं ओके सारे प्रोफेशंस आ चुके हैं मान लीजिए सी आपका यहाँ पे होगा तो सी क्या है सी जो है राइट right में है लॉयर के तो ये लॉयर अगर यहाँ पे सी होगा तो लॉयर को किधर होना होगा यहाँ पे होना होगा यहाँ पे तो पहले से ही क्रेडिट एनालिस्ट है लॉयर यहाँ पे होगा तभी तो राइट में सी होगा तो कोई बात नहीं आपका ये सी यहाँ पर नहीं होगा तो सी यहाँ पे होगा अगर सी यहाँ पे होगा तो जो लॉयर है उसको यहाँ पे होना होगा अब देखिए यहाँ पर जो प्रोफेशंस बाकी हैं उसके अनुसार तो ये लॉयर जो है या तो यहाँ पर होगा या तो लॉयर यहाँ पर होगा दोनों ही कंडीशन में इसके राइट में सेकेंड पे सी तो आएगा नहीं इसका मतलब जो हमने पहले पॉसिबिलिटी मानी थी वो क्या थी गलत थी और इसी के लिए ये जो डायग्राम है ये हमारा सही नहीं बना ओके तो चलिए हम दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं एक और यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ ओके अगर आपका पहले वाले में ही सही हो जाता है तब तो आपकी किस्मत है आपका समय बच जाएगा वरना फिर आपको इसको फिर से बनाना पड़ेगा यहाँ पर एच आ गया और क्या था यहाँ पर फोटोग्राफ़र था फ़ोटोग्राफ़र आ गया फिर यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी क्या ली थी हमने ए को यहाँ पे लिया था डी को यहाँ पे अब ठीक उसका उल्टा करते हैं यहाँ पे डी को लेते हैं और ये साइकोलॉजिस्ट है और फिर यहाँ पे ए को लेते हैं ओके इसको ऐसे लिख देते हैं डी इधर और साइकोलॉजिस्ट इधर अब फिर से कंडीशन वही है क्या है कि एज के एक स्थान छोड़ करके डिज़ाइनर आएगा एक स्थान छोड़ करके यहाँ फोटोग्राफ़र है एक स्थान छोड़ करके तो यहाँ पे आ जाएगा कौन तो यहाँ पे आ जाएगा डिज़ाइनर कोई बात नहीं यहाँ पे डिज़ाइनर आ रहा फिर और क्या है कि डिज़ाइनर अगर आ गया है तो डिज़ाइनर के लेफ़्ट और राइट में हमको जो पता है वो लिख लेते हैं इसके लेफ़्ट में कौन बैठेगा तो इसके लेफ़्ट में आ जाएगा टेलर और इसके राइट में कौन आ जाएगा तो इसके राइट में आ जाएगा टीचर ओके यही तो जो कंडीशन उसी के अनुसार चल रहे हैं ओके फिर और यहाँ पे क्या कंडीशंस बाकी हैं सी और ई e वाली जो कंडीशन है वो हमारी आती हैं तो सी और ई e कंडीशन के अनुसार कि सी और ई e यहीं पे होंगे यही दो जगहें हैं जहाँ पे लगातार आ सकते हैं तो यहाँ पे कौन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी ओके तो हमने जी को यहाँ पे बिठा दिया अब ये कैसे फिक्स होगा कौन और मतलब यहाँ पे और जो प्रोफेशंस हैं वो कैसे आएंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए टीचर के राइट में सेकेंड पे कौन है तो वो है सी ए क्रेडिट एनालिस्ट टीचर यहाँ पे तो उसके राइट में इधर होगा सेकेंड पे मतलब यहाँ पे तो ये कौन आ जाएगा तो ये आ जाएगा क्रेडिट एनालिस्ट ओके इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो ओके तो ये आ गया क्रेडिट एनालिस्ट फिर और क्या है यहाँ पे तो और कंडीशंस तो ये लॉयर वाली है कि लॉयर के राइट right में सेकंड पे कौन होगा सी होगा तो लॉयर के लिए जगह देखिए सी अगर यहाँ पे है तो इसके राइट right में सेकंड पे लॉयर कहाँ पे आएगा यहाँ पे यहाँ पे होगा तभी तो इसके राइट right में सेकंड पे ये तो सी होगा अगर सी को आप यहाँ पर रखते तो फिर लॉयर यहाँ पर आता है यहाँ पर टीचर पहले से है इसका मतलब हमको सी और ई e की पोजिशन पता चल गई यहाँ पर ई e होगा और यहाँ पर सी होगा तो मेरे ख्याल से तो सारे प्रोफेशंस आ चुके हैं एक बी का जो प्रोफेशन है वो बाकी है वो कौन सा है तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर है ओके तो ये क्या हो जाएगा जो बचा हुआ है वो क्या हो गया डॉक्टर हो गया देख लेते हैं चेक कर लेते हैं टेंशन ना लीजिए कितने प्रोफेशंस हैं हाँ ये डॉक्टर है तो वही आपका क्या है बी है ओके मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये आपका करेक्ट बना है ओके तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि कैसे अप्रोच करनी है प्रॉब्लम को वो समझना है अगर अप्रोच आपको समझ में आ जाती है तो प्रॉब्लम तो अपने आप आप सॉल्व कर ही लेंगे ओके चलिए एक और सवाल देखते हैं अब अगला सवाल देखते हैं ये आपका अरेंजमेंट पजल होगा और इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके बनेंगी लेकिन हम देखेंगे कैसे आप पॉसिबिलिटीज़ को भी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे आप बेसिक डायग्राम इसका देख सकते हैं इसका हिंदी वर्जन भी है जो पज़ल है आप ये देख सकते हैं इसका हिंदी वर्जन आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं खुद से सॉल्व करने के लिए सॉल्व करके देखिए कितना समय लगता है यहाँ पे लिखा है कि सात लोग हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी जो कि कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हैं किसी वीक के एक दिन में मतलब एक दिन में एक ही व्यक्ति वेबिनार अटेंड कर रहा है और जो वीक है वो मंडे टू संडे है इस तरीके से सात दिन ये आपके होने वाले हैं सभी के पास अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप्स हैं और उनके नाम लिखे गए हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन सब को अरेंज करना है ये कोई ऑर्डर में नहीं है कि ए के पास जो लैपटॉप है एप्पल का है बी के पास डेल का है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ओके तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स मिलती हैं जैसे जो वीक डेज हैं मंडे टू संडे इसमें कोई बदलाव नहीं होता है ये क्रम से ही होगा मंडे के बाद ट्यूज़डे फिर वेनेसडे ऐसे ही आएगा तो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी और आपको जो पर्सनस हैं और जो लैपटॉप्स हैं उनको अरेंज करना है ये जो कंडीशन है इनको पढ़ करके तो चलिए देखते हैं करते हैं हम हिंदी वाला वर्ज़न है यहाँ पे हम आते हैं हमको पता क्या है कि हम इस तरह का एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे तीन कॉलम होंगे और ये सात रोज़ होंगी यहाँ पे हम जो डेज़ हैं जो पहले से ही पता है उसको तो हम लिख लेते हैं उसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है ओके और ये संडे अब हम कंडीशन पढ़ते हैं लिखा है ओनली टू पर्सेंस आर अटेंडिंग द वेबिनार बिटवीन जी एंड द वन हु हैज़ डेल्स लैपटॉप कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास डेल का लैपटॉप है और जी जो है उनके बीच में दो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी और डेल के बीच में दो पर्सनस का गैप है अब इसको हॉरिजेंटली ना लिख करके वर्टिकली भी आप ऐसे दिखा सकते हैं ओके इसको मैंने वर्टिकली इसलिए नहीं दिखाया उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि हमको ये नहीं पता है कि कौन किसके ऊपर या कौन किसके पहले आ रहा है जैसे लिखा है जरूरी नहीं कि जी अगर जो है पहले आ रहा है तो इसका मतलब जी डेल के ऊपर ही आएगा ये भूल आप मत करिएगा इसको हॉरिजॉन्टली इसीलिए दिखाया अगर वर्टिकली दिखाना होगा तो जैसे जो आया रहेगा उसको हम वैसे दिखाएंगे ओके लिखा हुआ है ओनली टू परसेंट सिट बिटवीन द वन हु हैज़ माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप एंड ए कि जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है और ए है उसके बीच में दो लोग बैठते हैं तो बैठते क्या हैं मतलब ये अटेंड करते हैं आप इसको लिख सकते हैं यहाँ सेट लिखा हुआ है इसको अटेंड आप कर सकते हैं तो एक दो और इनके बीच में क्या आ गया माइक्रोसॉफ्ट फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है सी इज़ अटेंडिंग वेबिनार इमीडिएटली बिफोर ई कि जो सी है वो ई e से ठीक पहले वेबिनार अटेंड कर रहा है ई e से ठीक पहले ओके okay? तो C को हम ऐसे दिखाएंगे और E को ठीक इसी के नीचे दिखाएंगे ये दोनों क्या आएंगे एक साथ आने वाले हैं ओके फिर आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ़ पर्सनस आर अटेंडिंग द वेबिनार बिटवीन द वन हु हैज़ एप्पल्स लैपटॉप एंड F एंड बिटवीन B एंड G समझिए एक बार में आपको समझना होगा इस स्टेटमेंट को पूरा कि एप्पल का लैपटॉप और एफ़ के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितना बी और जी के बीच में है तो इसको कैसे आप दिखा सकते हैं चौथी कंडीशन तो एप्पल का लैपटॉप जिसके पास भी है उसके पास जितने आ, उसके और एफ़ के बीच में मान लीजिए एन पर्सनस हैं तो बी और जी के बीच में भी एन पर्सनस होंगे मतलब सेम ही होंगे यहाँ पे द वन हु हैज़ माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप डज नॉट अटेंड द वेबिनार इमीडिएटली वेबिनार आफ्टर द वन हु हैज़ एच पी लैपटॉप इमीडिएटली नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वाला पर्सन है जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है वो एच पी के बाद वेबिनार अटेंड नहीं करता है इसका मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब ये है एक तो यहाँ पे ये बात बतानी है कि ऐसा है तो आप ये नहीं कह सकते इमीडिएटली ही आएगा वो हमेशा मतलब इसका ये कहने का है कि माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पर्सन होगा वो पहले अटेंड कर लेगा वेबिनार को एच वाले से अब ठीक पहले भी कर सकता है और गैप भी हो सकता है ओके कभी भी इमीडिएट मत समझ लीजिएगा जब तक लिखा ना रहे इसमें लिखा नहीं है कि इमीडिएटली ही वो अटेंड नहीं करता है या उससे पहले ही अटेंड करेगा तो कुछ लिखा नहीं तो हो सकता है कि ये ठीक इसके ऊपर आ जाए और हो सकता है कि गैप छोड़ करके आए आगे हम अगला पैराग्राफ लेते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है आगे एक कंडीशन है पहली कंडीशन है डी अटेंड्स वेबिनार ऑन ट्यूजडे कि डी का जो पता चल गया दिन कब वो अटेंड कर रहा है वेबिनार तो वो ट्यूजडे है तो हम इसको ऐसे दिखा दिखाते हैं द वन हु हैज़ एसोस लैपटॉप इज़ अटेंडिंग द वेबिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज़ गूगल्स लैपटॉप कि जिसके पास एसोस का लैपटॉप है वो गूगल के लैपटॉप जिसके पास है उसके ठीक बाद ही वेबिनार को अटेंड कर रहा है तो ये दोनों क्या आएंगे एक साथ आएंगे लिखा है नाइदर जी नॉर द वन हु हैज डेल्स लैपटॉप अटेंडिंग द वेबिनार ऑन मंडे ना तो जी ना तो जिसके पास डेल का लैपटॉप है ये दोनों ही मंडे को तो वेबिनार नहीं अटेंड कर रहे मंडे के अलावा कोई दिन होगा इसी तरह नीदर सी नॉर ई हैज डेल्स लैपटॉप कि ना तो सी ना तो ई e के पास क्या है डेल का लैपटॉप है सी और ई e, इन दोनों के पास ही डेल का लैपटॉप नहीं होगा फिर आगे क्या लिखा हुआ है द वन हु हैज़ एप्पल्स लैपटॉप डज नॉट अटेंड द वेबिनार आफ्टर द वन हु हैज़ माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप कि जिसके पास एप्पल का लैपटॉप है वो माइक्रोसॉफ्ट के बाद वेबिनार को अटेंड नहीं कर रहा ठीक इसी तरह जैसे पांचवी कंडीशन थी तो इसका मतलब एप्पल वाला जो होगा वो पहले अटेंड कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वाले पर्सन से अब ठीक पहले भी हो सकता है और गैप भी हो सकता है लिखा है ईज़ वेबिनार इज़ नॉट ऑन संडे' कि जो ई e की वेबिनार है वो संडे को नहीं है ओके फिर आगे क्या लिखा हुआ है एफ़ अटेंड्स द वेबिनार आफ्टर द वन हु हैज़ एच सी एल्स लैपटॉप कि जो एफ़ है यहाँ पे कंडीशन हो जाती है यहाँ पे लिख लेते हैं ग्यारहवीं कंडीशन कि जो एफ़ है वो अटेंड कब करता है लैपटॉप एच सी एल का जिसके पास लैपटॉप है उसके बाद ही अब यहाँ पे आफ्टर लिखा है ना कि इमीडिएटली आफ्टर ओके फिर लिखा है ए डज़ नॉट हैज़ एच सी एल्स लैपटॉप कि ए के पास एच सी एल का लैपटॉप नहीं है सारी कंडीशनस अब पूरी हो जाती हैं लेकिन अभी केवल एक ही प्लेस हमने यहाँ पे फिल किया बाकी सब कुछ अभी खाली है अब हम आते हैं अपनी अप्रोच पे कि इसकी अप्रोच क्या होगी कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ इसकी बन सकती हैं लेकिन हम कैसे देखेंगे कहाँ से शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन हो या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा गैप हो जैसे किसी के अगर बीच में तीन का गैप है चार का गैप है तो हम उसको पहले बना लेंगे क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम बनती हैं जैसे किसी के बीच में अगर चार का गैप होगा तो मान लीजिए जिसको आप यहाँ पर रख देंगे तो एक दो तीन चार अब देखिए यहाँ पर आप करेंगे चार का गैप तो यहाँ पर फिट ही नहीं होगा तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी ऐसे मिल सकती है कि एक यहाँ पर हो फिर एक दो तीन चार का गैप छोड़कर एक दूसरा यहाँ पर हो ओके तो जिसके पास गैप जितना ज़्यादा रहेगा उसमें पॉसिबिलिटी उतनी कम रहेगी एक का गैप होगा तो पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी अब यहाँ पे हम कैसे चेक करें यहाँ पे है जी डेल ए फिर माइक्रोसॉफ्ट सी और ई e, एप्पल फिर बी और जी आ गया फिर से जी और डेल के बारे में बताया मंडे को नहीं है सी और ई e, डेल में नहीं है तो हमको एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जी और डेल को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं तो हम इसी से शुरुआत करते हैं जी और फिर दो स्थान का गैप छोड़ करके डेल तो जी कहाँ पे आ सकता है ऊपर नहीं आ सकता कंडीशन क्या है साथवी कि जी और डेल वाला दोनों ही मंडे को नहीं आ सकते तो मान लेते हैं हम जी को यहाँ पे आ गया जी आप नीचे से भी शुरुआत कर सकते हैं ऊपर से भी कर सकते हैं एक दो का गैप छोड़ करके यहाँ पे हमने डेल को रख दिया अब फिर आगे और क्या करना है अब आपको पता है कि डेल वाला पर्सन जो है जो भी होगा वो सी और ई तो नहीं होंगे तो और सी और ई एक साथ आ रहे हैं तो सी और ई कहाँ पर एक साथ आ सकते हैं और यहाँ यहाँ पर तो आ नहीं सकते क्योंकि डेल आ गया फिर एक ही जगह बस्ती उनके सामने सी यहाँ पे आए तो ई e यहाँ पे आए ओके चलिए दो और अरेंजमेंट हो गए अब आगे क्या करें अब आगे आप कहाँ से बढ़ेंगे ए माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के चलिए ए को आप प्लेस कर दीजिए कहीं पे फिर माइक्रोसॉफ़्ट को प्लेस करिए लेकिन उससे आपको और आगे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के चलेंगे तो और आगे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी ना तो ए से और कुछ चीज़ें ज़्यादा कनेक्टेड हैं बाकी माइक्रोसॉफ्ट एच और गूगल एसोसिएस को लेकर के तो बहुत सारी जगहें आपकी बन सकती हैं फिर एक कंडीशन है जो कि चौथी है वही आपके सामने बसती है इसको अगर आप लेकर के चलिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ आपकी तो बनेंगी लेकिन आपको पता चलेगा कैसे रखना है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरुआत में पता चल जाएँगी फिर आखिरी में आपको परेशान नहीं होना है कह रहा है कि एप्पल और एफ़ के बीच में उतना ही परेशान है जितना बी और जी के बीच में है तो जी हमको पता है यहाँ पे है अब बी कहाँ पे आ सकता है बी आपका यहाँ पे आ सकता है ओके ऐसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बी यहाँ पे आ जाए तो एफ़ कहाँ पे आ सकता है सोचिए एफ फिर आपका कहाँ पे आ सकता है यहाँ पे आ सकता है एफ़ अगर एफ यहाँ पे आएगा तो इनके इनके बीच में एक परसेंट का गैप है तो यहाँ पे और फिर एप्पल यहाँ पे आ जाएगा इसके बीच में कितने गैप हो गया एक का गैप हो गया ये बात समझ में आई अब आपको ये समझ में आना चाहिए जब एफ़ यहाँ पर आ गया तो ए कहाँ पर आएगा ए यहाँ पर आएगा और ए और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में दो पसेंट का गैप है तो हम नीचे तो जा नहीं सकते ऊपर ही जाएंगे एक दो का गैप छोड़ेंगे तो एप्पल वाली जगह पे ही पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा क्लैश ओके okay? मतलब एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट एक ही जगह पे तो बैठेंगे नहीं इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई गड़बड़ी तो इसका मतलब एफ़ यहाँ पर नहीं आएगा एफ़ यहाँ पर नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं एफ यहाँ भी तो आ सकता है सही बात है तो एक गैप छोड़ करके एप्पल यहाँ आ जाएगा अब यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते क्यों क्योंकि आपको पता है एक चीज़ आप यहाँ पे दो कंडीशंस को अगर मिला लीजिए तो आपको क्या समझ में आएगा पाँचवीं और नौवीं कि सबसे ऊपर अगर आएगा तीनों में तो ये आएगा एप्पल उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट और उसके नीचे एच ये इसी क्रम में आने हैं ओके तो अगर एप्पल यहाँ पे आ गया तो कम से कम इसके नीचे दो जगह हैं खाली चाहिए और एक ही जगह खाली है इसका मतलब एप्पल यहाँ नहीं आ सकता इसी तरह अगर आपको यह समझ में आ गया तो एक चीज़ और आपको समझ में आ जाएगी कि एफ़ के ऊपर एस है मतलब एफ़ कभी भी मंडे को नहीं आएगा क्यों एफ़ अगर मंडे को आएगा तो एस वाला कहाँ पे आएगा नहीं आ पाएगा जिसका तो मतलब एफ़ कभी भी मंडे को नहीं आ सकता ओके तो ये भी आपको समझ में आ गया दो चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो अब थोड़ा सा देखिए आसान हो जाएगा तो हमने जो बी को यहाँ पे माना था वो तो खैर नहीं सक्सेसफुल हुआ हम अगर बी को यहाँ पे नीचे मान लें तो क्या होगा दो का गैप है एफ ऊपर तो आएगा नहीं एफ कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा तो एक दो का गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा एप्पल आ जाएगा ओके अभी लिख नहीं रहा हूँ ऐसे देखिए फिर ए के लिए यही जगह बचेगी तो एक दो का गैप छोड़ेंगे फिर से देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आएगा उसी जगह के लिए दोनों फिर से कम्पीट कर रहे हैं मतलब फिर से क्लैश हुआ इसका मतलब कि ये फिर से सही नहीं है मतलब यहाँ पे हमने एफ़ को रखने की एक ही जगह थी रख के देखा तो बी यहाँ पर भी सही नहीं है तो हम कह सकते हैं बी यहाँ पे होगा तो एक दो तीन का गैप छोड़ेंगे तो एफ़ ऊपर तो जाएगा नहीं एफ कहाँ पे आएगा यहाँ पे तो एक दो तीन का गैप छोड़ करके एप्पल आ जाएगा यहाँ पे अब आप कहेंगे कि ए अगर यहाँ पे है तो एक दो का गैप छोड़ करके ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे अब आप कहेंगे अब तो सही हो गया सारी चीज़ें सही हैं नहीं कंडीशन नंबर छठी कहती है कि गूगल और एसूस वाले एक साथ आते हैं अब ये अल्टरनेटिवली अरेंज हो गए हैं कहीं भी दो लगातार जगहें खाली नहीं जहाँ पे गूगल और एसूस के लैपटॉप वाले आ सकें इसका मतलब क्या हुआ ये भी बी की कंडीशन सही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमने जी को लेकर के चले और बी के साथ वेरी किया लेकिन कुछ भी सही नहीं है इसका मतलब जी और डेल वाला जो पोजीशन है यही हमारा क्या है गलत है तो अब देखिए अब जी क्या हो सकता है यहाँ पे आ सकता है ऊपर तो ई जाएगा नहीं और तो डेल जाएगा नहीं नीचे ही डेल आएगा तो डेल आ सकता है यहाँ पे अब यहाँ पे डेल आ जाएगा तो सी और ई कहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे अब देखिए अब वेरी करा के देखिए बी को आप यहाँ नहीं पुट कर सकते क्यों नहीं पुट कर सकते बी को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ यहाँ पे आएगा और एफ के ठीक ऊपर एप्पल आ जाएगा एप्पल के नीचे दो जगह हैं चाहिए इसका मतलब ये तो आपकी पॉसिबिलिटी बी की नहीं हो सकती ये आप शुरुआत से ही समझ जाएंगे तो बी और कहाँ पे हो सकता है तो बी आपका ऊपर जा सकता है अगर बी यहाँ पे जाता है तो जी के बीच में एक दो का गैप है तो एफ़ कहाँ पे हो सकता है एफ यहाँ भी हो सकता है एक और दो का गैप छोड़ करके एप्पल को अगर यहाँ भी रखेंगे तो नीचे दो स्थान खाली है क्या नहीं इसका मतलब एफ़ यहाँ पर नहीं होगा एफ़ आपका यहाँ पर हो सकता है एक दो का गैप छोड़ करके यहाँ पर हम एप्पल को रखेंगे तो क्या होगा एक दो का गैप छोड़ा एप्पल को यहाँ रखा ठीक है फिर ए आ जाएगा यहाँ पे ए अगर यहाँ पे आ गया तो एक और दो का गैप छोड़ करके माइक्रोसॉफ्ट आ गया यहाँ अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ़्ट आया तो इसके नीचे एक एच को भी तो आना है वो जगह है ही नहीं मतलब ये भी कंडीशन सही नहीं है एफ़ की और बी की इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ पे बी नहीं आएगा तो बी और कहाँ पे आ सकता है तो बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे नहीं आएगा एक ही जगह बची यहाँ पे आ जाएगा बी एक दो का गैप छोड़ेंगे फिर से अगर F यहाँ पे होगा दो का गैप छोड़ेंगे तो एल्पल फिर से यहाँ तो एफ़ यहाँ पर रखिए नहीं और ऊपर F को रख नहीं सकते इसका मतलब B नीचे भी नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है G और डेल को लेकर के ये भी सही नहीं है देखिए एक बार अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अगर बन भी रही होती हैं तो काफ़ी आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं जी को अगर यहाँ पर रखें एक दो का गैप छोड़ करके डेल ऊपर आ जाएगा नीचे जाने की जगह नहीं है फिर आपका सी ओ री कहाँ पर आ जाएगा सी ओ री यहाँ पर आ जाएगा ओके अब सी ओ री अगर यहाँ पर आ गया तो आपका बी कहाँ पर आ सकता है मान लीजिए बी अगर यहाँ पर आ जाए तो एफ़ को नीचे ही आना होगा फिर से एप्पल यहाँ पर हो जाएगा वो आपका बात सही नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ पर हो जाए अगर बी यहाँ पे होगा तो एफ़ आपका यहाँ पे हो सकता है एक का गैप है जी और बी के बीच में तो एप्पल और एफ़ के बीच में भी एक का गैप होगा फिर ए आपका यहाँ पे आ जाएगा एक दो का गैप छोड़ करके फिर से यहाँ पे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट फिर से क्लैश हो जाएंगे मतलब ये भी जो जगह है वो सही नहीं है बी की बी की या एफ़ की कह सकते हैं बी अगर यहाँ पे है एफ आपका यहाँ भी तो हो सकता है एक का गैप छोड़िए यहाँ पे हमने रख दिया एप्पल को अब यहाँ पे ए आ गया फिर से वही बात है दो का गैप छोड़ेंगे फिर से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में क्लैश इसका मतलब क्या हुआ बी की ये वाली जगह सही नहीं है यहाँ पे नहीं हो सकता यहाँ पे नहीं हो सकता फिर यहाँ पे रख दीजिए तो एक दो तीन का गैप है एफ कहाँ पे हो सकता है एफ़ आप नीचे रखिए तो एक दो तीन का गैप छोड़िए तो ये क्या आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्पल ओके ए आ जाएगा यहाँ पे एक दो का गैप छोड़िए फिर से माइक्रोसॉफ्ट इसका मतलब क्या हुआ फिर से गलत हो गया अब एफ़ को अगर आप ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आप एक दो तीन का गैप छोड़ेंगे तो वो फिर से क्लैश करेगा डेल के साथ इसका मतलब जी और बी के लिए ये भी कंडीशन सही नहीं है तो इसको भी हम हटा देते हैं अब हम आते हैं इस पर सैटरडे पे यहाँ पे जी को रखें तो एक दो का गैप छोड़ करके डेल आ जाएगा यहाँ पर ठीक है डेल यहाँ पर आ गया तो सी और ई e यहाँ पर आ जाएंगे सी और ई e अगर यहाँ पर आ गए तो आगे आप क्या कर सकते हैं हम बी और जी के लिए बी को अगर हम यहाँ पर रख दें एक का गैप छोड़ते हैं एफ ऊपर तो जा नहीं सकता एफ को एफ को ऊपर कैसे ले जाएंगे एफ़ को हम यहाँ पे रख दें तो एप्पल वाला या तो डेल के ऊपर आएगा तो डेल के नीचे आएगा ए बचेगा ए को हम यहाँ रख दें तो एक दो का यहाँ पे गैप छोड़िए तो माइक्रोसॉफ्ट वाला यहाँ पे आ गया अगर माइक्रोसॉफ्ट वाला यहाँ पे आ गया तो एप्पल के लिए यही जगह बची तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा अगर एप्पल यहाँ पे आ गया तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ़्ट एप्पल माइक्रोसॉफ्ट आ गया एच पी और गूगल और आसूस के लिए भी जगह है लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हो पाएगा गूगल और आसूस कहाँ पे होगा यहाँ भी हो सकता है गूगल और आसूस और गूगल और आसूस यहाँ भी हो सकते हैं एच की भी कंडीशन इसी तरह बन सकती है खैर कोई बात नहीं एक हमारे सामने और कंडीशन क्या है कि एफ़ के ऊपर ही एस वाला आएगा तो एफ़ के ऊपर हम एच को यहीं पर रख सकते हैं और तो कहीं जा नहीं सकता लेकिन कंडीशन नंबर बारह क्या कहती है कि ए वाले में एच वाला नहीं जाएगा मतलब ए के पास एस का लैपटॉप नहीं और वही यहाँ पर होगा गूगल और आसूस को तो छोड़ दीजिए यहीं पर एक करेक्ट नहीं होगा इसका मतलब ये सही नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं कि ये आपका सही इंटरप्रटेशन इसका नहीं है तो हमने क्या किया था बी को यहाँ पे रखा था उससे ये कंडीशन आपकी आई थी तो हम बी को यहाँ पे रख देते हैं चलिए ये कंडीशन अगर रखते हैं तो क्या होता है तो एक दो का गैप छोड़ेंगे यहाँ पे आएगा एफ़ को हम नीचे रख सकते हैं तो एक दो का गैप छोड़ करके एप्पल यहाँ पर आ जाएगा ऐसा होगा तो हम ए को यहाँ पे रखेंगे तो एक दो का गैप छोड़ करके फिर से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का क्लैश मतलब ये भी सही नहीं है ओके तो ऐसा हो सकता है कि बी अगर यहाँ पे हो तो एफ़ यहाँ पे हो अगर एफ़ यहाँ पे होगा तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप एक दो का गैप छोड़िए और यहाँ पे आप एप्पल को रखिए फिर से बात वही होगी एक यहाँ पे रखें एक दो का गैप छोड़ेंगे फिर से वही हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का क्लैश इसका मतलब क्या हुआ बी की पोजीशन सही नहीं है तो हम बी की पोजीशन एक और आखिरी है कि बी को हम यहाँ पे रख दें तो एक दो एक दो तीन चार का गैप है एफ को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो एक दो तीन चार का गैप छोड़ कर के एप्पल आ जाएगा यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे रखूँ तो एक दो का गैप ऊपर तो जाएगा नहीं एक दो का गैप छोड़ करके माइक्रोसॉफ्ट आ गया यहाँ पर ओके अब देखिए दो लगातार जगहें यहीं पर खाली हैं तो यहाँ पर आ जाएगा गूगल और यहाँ पर आ जाएगा एसूस ओके और माइक्रोसॉफ्ट के नीचे एच को आना है तो एक ही जगह खाली यहाँ पे एच आ जाएगा और एफ़ के ऊपर एचसीएल को आना है तो यहाँ पे एच आ गया और ये आपकी अरेंजमेंट अब जा करके पूरी कंप्लीट हो पाई ओके तो इस तरीके से आपको करना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लेंगे पहले ही कि एफ कहाँ पर हो सकता है इनकी जो कंडीशन हैं दो चार को मिला लीजिए उससे आपको क्या और मिल सकता है इनपुट और उसके आधार पर जब आप करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो आप उसको आसानी से मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा पूरा बनाना पड़ेगा और आखिरी में जाकर कुछ होना है आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ओके तो ये थी दूसरी पज़ल जो आपकी मेंस लेवल की थी कई बार इसको देकर चक्कर भी आ सकता है मैंने बताया तो आसान लग रहा होगा आप खुद से करेंगे तो कई बार आपको सोचने को लगेगा कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में कहाँ से हम आगे बढ़ें ओके ये मैंने बताया आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी पज़ल दोनों ही पज़ल आपको समझ में आएगी इसके और भी अप्रोच हो सकते हैं सॉल्व करने के बाकी आपको कुछ और आसान अप्रोच लगे तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके वीडियो अगर कर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई देखिए कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं कम से कम समय में और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए मैं और लाता रहूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव नाइस्ट डे एंड बाय